हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल MRS टैक रिलेटेड। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं टॉप 3 बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो कि आपको अंडर 15,000 के देखने को मिल जाएंगे Amazon और Flipkart दोनों प्लेटफॉर्म पर, और तगड़े डिस्काउंट में ये आपको अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड करा देंगे स्मार्टफोन। अगर आप कोई 15,000 के आसपास ऐसा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं जिनके अंदर आपको ओवरऑल एकदम फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिले, लाइक सारे फीचर आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिले, लाइक कैमरा, डिस्प्ले, चार्जिंग, बैटरी एंड तगड़ा चिपसेट देखने को मिल जाए, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है। बिकॉज वीडियो के अंदर हमने टॉप 3 बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं जिनके अंदर आपको कैमरा सेटअप, सारी जो है फीचर्स, एकदम स्पेक्स एकदम नेक्स्ट लेवल देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके लिए रहते हैं अंडर 15,000 में, तो ये बेस्ट फ़ोन रह सकते हैं आपके लिए। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड एनालाइज एंड रिव्यू करने के बाद सेलेक्ट किए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। दोस्तों, इस लिस्ट का फर्स्ट स्मार्टफोन रहता है Realme की तरफ से Realme 9 Pro 5G। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं अंडर 15,000 में, तगड़े डिस्काउंट पे स्मार्टफोन अभी आपको देखने को मिल रहा है। बाकी स्मार्टफोन के प्राइस जो है आपको 18,000 के आसपास देखने को मिलते हैं, बाकी अभी ये फिलहाल में आपको अंडर 15,000 के देखने को मिल जाएगा Amazon और Flipkart दोनों प्लेटफॉर्म पर। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 195 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा, 8.5 mm की थिकनेस, तो मोबाइल फोन काफ़ी लाइट वेट है और स्लिम है, और काफ़ी अच्छी कलर स्कीम देखने को मिल जाती है, इस वजह से मोबाइल फोन काफ़ी प्रीमियम फील करा देगा आपको। फ्रंट में आपको काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, मोबाइल फोन के अंदर आपको IPS LCD 6.6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 84.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलेगा जिसकी वजह से मोबाइल फोन की बेजल बहुत ही ज़्यादा आपको पतली देखने को मिलने वाली हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G देखने को मिलेगा जो कि 6 nm के साथ आता है और एंड्रॉइड वर्जन 12 पर भेजा है, तो काफी तगड़ा चिपसेट भी देखने को मिल जाता है। आप इजीली लाइव स्ट्रीम, अल्ट्रा HD में गेमिंग और आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। इस मोबाइल फोन के रियर पार्ट में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा 64 MP का, 8 MP का अल्ट्रा वाइड प्लस 2 MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से आप 1080p 30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे रियर कैमरे से। फ्रंट से आप 16 MP का कैमरा देखने को मिलेगा जो कि आपको सेल्फी स्नैपर देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आप सेम रिकॉर्डिंग कर पाएंगे जो आप रियर कैमरे से कर पाएंगे, लाइक 1080p 30fps में फ्रंट से भी। बात करते हैं मोबाइल फोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों, इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जिसके साथ आपको 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फर्स्ट मिडनाइट ब्लैक, आउरा ग्रीन सेकंड एंड थर्ड आपको सनराइज ब्लू। ये 3 कलर ऑप्शन में ये मोबाइल फोन आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं अदर फीचर्स के बारे में। 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाएगा, इजीली आप ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलेगी, USB टाइप सी 2.0 देखने को मिल जाएगी, और मोबाइल फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। लिटरली अंडर 15,000 में Realme 9 Pro 5G आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकता है बिकॉज इस मोबाइल फोन के अंदर आपको अंडर 15,000 में काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। आप इसको लिटरली चेकआउट कर सकते हैं, बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट के सेकंड स्मार्टफोन के बारे में जो कि रहता है वीवो की तरफ से Vivo T1 5G। Vivo T1 5G के अंदर आपको काफ़ी अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं अंडर 15,000 में। मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी लाइट वेट देखने को मिलेगा, लाइक इसके में आपको 187 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा, 8.3 mm की थिकनेस देखने को मिलेगी, प्लास्टिक फ्रेम और बैक आपको प्लास्टिक की देखने को मिलने वाली है, फ्रंट में आपको ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, IPS LCD 6.58 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 83.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलेगा, तो स्मूथनेस तो मोबाइल फोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, साथ ही आपको बेजल भी बहुत ही ज़्यादा पतली देखने को मिलने वाली है। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको MediaTek Qualcomm Snapdragon 695 5G चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 6 nm के साथ आता है और एंड्रॉइड वर्जन 11 पर बेस्ड है, तो काफ़ी तगड़ा इस मोबाइल फोन के अंदर भी आपको चिपसेट देखने को मिल जाता है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें, इस मोबाइल फोन के रियर पार्ट में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें आपको 50 MP का प्राइमरी कैमरा, 2 MP का डेप्थ लेंस प्लस 2 MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा जो कि आपको डुअल LED फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिलेगा जिसमें आपको सारे फीचर देखने को मिलेंगे, HDR प्लस पैनोरामा वाले सारे फीचर देखने को मिलेंगे। इस मोबाइल फोन के रियर कैमरे से आप
1080p वाई 30fps तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। वहीं आपको फ्रंट में 16 megapixel का फ्रंट सेल्फी स्नैपर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप सेम रिकॉर्ड कर पाएंगे लाइक जो आप रियर कैमरे से कर पाते हैं, वही 1080p वाई 30fps में फ्रंट से भी आप कर पाएंगे इजीली। बात करते हैं मोबाइल फोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों, इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आपको 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको फर्स्ट कलर स्टार लाइट ब्लैक एंड सेकेंड रेनबो फंटेसी, ये दो ही कलर ऑप्शन इस मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अदर फीचर्स के बारे में बात करें, इस मोबाइल फोन के अंदर भी आपको 3.5mm का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैक 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है। इजीली आप ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिलेगी, USB टाइप सी 2.0 देखने को मिल जाएगी और मोबाइल फोन के अंदर आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, 15,000 में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करा रहा है वीवो। लिटरली आप वीवो T1 5G को भी कंसिडर कर सकते हैं, लाइक तगड़ा चिपसेट भी देखने को मिल जाता है, बैटरी, कैमरा, चार्जिंग, सारी चीज़ें आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिल जाती हैं। साथ ही आपको अच्छी कलर स्कीम भी देखने को मिल जाती है। डिज़ाइन तो आप ऑफिशियल वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। दोस्तों, लिटरली आप वीवो T1 5G को भी कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं हम इस लिस्ट के थर्ड स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों, ये एक स्मार्टफोन 4G है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। 4G का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि 5G नेटवर्क को पूरे इंडिया में को कवर करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप 4G की तरफ भी जा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर आपको अच्छे स्पैक्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक कैमरा सेटअप, डिस्प्ले, चार्जिंग आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। 4G स्पीड भी कोई इतनी कम नहीं है, बाकी 5G अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा 5G नेटवर्क के लिए। बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के स्पैक्स के बारे में। मोबाइल फ़ोन की बैक फ्रेम प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपको ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। 189 ग्राम का वेट, 8.5mm की थिकनेस देखने को मिल जाएगी। मोबाइल फ़ोन वाटर रेसिस्टेंस के साथ आता है, तो थोड़ा बहुत मोबाइल फ़ोन के ऊपर पानी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, नो डाउट। ओवरऑल मोबाइल फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, स्लिम है और मोबाइल फ़ोन की डिज़ाइन भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। ओवरऑल मोबाइल फ़ोन की हैंड फील काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको IPS LCD 6.59 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, 84% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन की बेजल भी काफ़ी पतली रहने वाली हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 684G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है और एंड्रॉयड वर्जन 11 पर बेस्ड है, तो अच्छा चिपसेट भी देखने को मिल जाता है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें, इस मोबाइल फ़ोन के रियर पार्ट में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा, 8 megapixel का मैक्रो एंड 2 megapixel का डेप्थ लेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको LED फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप 1080p 30fps तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट में आपको 16 megapixel का फ्रंट सेल्फी स्नैपर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप 1080p 30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे फ्रंट कैमरे से भी। दोस्तों, बात करते हैं मोबाइल फोन की बैटरी सेटअप के बारे में। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ आपको 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप 26 मिनट के अंदर अपना मोबाइल फ़ोन 0.5% चार्ज कर सकते हैं, लाइक 50% चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फर्स्ट ब्लैक कार्बन, सेकंड ब्लू फ्लेम। एंड बात करें अदर फीचर्स के बारे में, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा, इजीली आप ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स के साथ इसमें आपको स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, ब्लूटूथ वर्जन 5 देखने को मिलेगी, USB टाइप सी 2.0 देखने को मिलेगी और साथ ही मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे फ्लैगशिप फीचर देखने को मिल जाते हैं अंडर 15,000 में। ओप्पो K10 भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन, मतलब बेटर ऑप्शन रह सकता है, लाइक अपनी चॉइस या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से तीनों स्मार्टफोनों में से कोई सा भी परचेज कर सकते हैं, बिकॉज तीनों स्मार्टफोन अपने स्पेक्स के और अपनी ब्रांड वैल्यू के साथ आते हैं। अंडर 15,000 में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकते हैं, आप अपनी चॉइस या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से तीनों में से कोई सा भी परचेज कर सकते हैं। आपको बेस्ट प्राइस लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी, लेट्स चेकआउट कर सकते हैं आप। ओके दोस्तों, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।